सपा वालों ने कहा कि आपको कितने पैसे दिए भाजपा वालों ने इस काम के लिए, इस भजन को लिखने के लिए। भावनाएं कभी भी बिककर बाजार में नहीं आती, भावना दिल से निकलती है। और किसी को तुम रुला सकते हो लेकिन उसे कमजोर नहीं कर सकते। मैंने इतना प्यार दुनिया से पाया है, इतना प्यार कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है मुझे जो लोगों ने प्यार दिया। ये मैं सिर्फ यूपी के लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं उत्तराखंड गया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी, उत्तराखंड में भी लोगों ने सड़कों पर खड़े थे मेरे लिए भगवे को लहराते हुए। पुलिस वालों ने रोका, रास्ते में इलेक्शन की चेकिंग चलती है, सीआरपीएफ की ड्यूटी थी, बीएसएफ की ड्यूटी थी, माना कि कोई और हो सकता है, लेकिन उनको क्या, उनको क्या चाहिए, उनको क्या लेना देना। उन्होंने भी कहा कि आप वही हैं जो राम को लाए हैं। मुझे राम जी ने 20 दिनों के अंदर, मात्र 20 दिनों के अंदर मुझे लोग कहने लगे आप राम को लाए हो, आप वही है। हनुमान जी लेकर आए थे लंका विजय कर, हमारे मोदी जी लेकर आए, महलों में लेकर आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हमारे योगी जी, उनकी बहन को देखा आपने, योगी जी के भाई को देखा आपने, और इन लोगों के रिश्तेदारों को देखा आपने, परिवार को देखा इनको। मुझे इतना गंदा गंदा बोलते हैं ये लोग, फिर भी मैं अपने मन को कठोर करके चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कठोरता से ही काम करना पड़ेगा। मैं सारे धर्मों को मानता हूं लेकिन अपने धर्म को विशेष मानता हूं, और उस धर्म को जिसको मैं विशेष मानता हूं उसको विशेष कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साउथ में एक 12वीं क्लास की लड़की को प्रताड़ित किया गया क्रिश्चियन बनने के लिए, उसने मरना मंजूर किया लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ा। ये बच्चे, ये लोग कौन सी दुनिया के हैं? ये भी तो हमारी दुनिया के हैं। हम हिंदू होकर भी अपनी बात नहीं कर सकते आपस में, हम लोग हमारी विचारधारा नहीं मिल सकती किसके लिए? भगवान के लिए। उसी मंदिर में तो आप जा रहे हैं, उसी मंदिर में हम जा रहे हैं। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।